और जो दूर से रथ को आते हुए देखा उद्धव के, तो सबके नेत्र खिल गए, सब समझ गए कि लाला आ गए हमारे, आनंदित हो गए। अरे श्रीदामा मधुमंगल तनसुका मनसुका सुबाला, देखो कन्हैया आ रहे हो, रथ आ रहे हो। अरे हमने तो पहले ही कई बार को मन हमारे बिना लग ही ना सके। चलो चलो चलो, जब सब चलने लगे और एक जो एक सखा था भगवान का मधुमंगल, ये चुप के बैठ गया झाड़ियों में। श्रीदामा ने कहा क्यों रे, तुझे नहीं चलना, लाला को रथ आ रहे हो, चल चले। मधुमंगल बोला मुझे जाना नहीं है। क्यों? बोले मैं तो रूठ गया, हम तो गुस्सा है, मैं रूठा हूं उनसे। क्यों? बोले परसों की कहते गए हो, वर्षों तक नहीं आयो, अब तक नहीं आया, और उसे अब याद आई हमारी। और जब तक मेरे चरणों में नहीं गिरेगा, मुझसे माफी नहीं मांगेगा, और फिर ना कभी जाने का वादा करेगा, तब उससे बोलना नहीं तो बातें ही नहीं करनी है। श्री दामा ने कहा ठीक है, तुझे बैठना है तो बैठ, हम तो चले। तो जो रूठ गया था ना जी, उसने भी सोचा कि रूठ तो मैं बाद में लूंगा, पहले एक बार कन्हैया को हृदय से लगा तो लूं। उसने भी दौड़ लगाई, पर दौड़ते दौड़ते रथ के पास जब आए तो सब चुपचाप खड़े हो गए। रथ के समीप आके सब समझ गए कि अब रथ में हमारा कन्हैया नहीं है। अगर कन्हैया हमारा रथ में हो तो रथ से कहूं को कूद गया हो तो। पर्दा हटा के देखा, उद्धव जी ने दोनों हाथ जोड़ के कहा जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। सुनो जी, आप मुझे नंद भवन का पता बता सकते हैं? कहाँ है नंद भवन? बोले मैं उद्धव मथुरा से कृष्ण का मित्र हूं, कृष्ण ने मुझे भेजा है, उनको याद आती है इसलिए भेजा है। ब्रजवासी सुनकर के नेत्रों में जल भर के बोले वारे का नहीं है, परसों की कहके गयो, वर्षों तक नहीं आयो, और इतने सालों बाद याद भी आई तो अपने मित्र को भेज दिया, खुद नहीं आया। क्या बता सकते हैं आप नंद भवन कहाँ है? मुझे यशोदा से नंद बाबा से मिलना है, उनका पता बताओगे आप मुझे? ब्रजवासी बोले उद्धव जब से कन्हैया गए हैं तब से नंद भवन का रास्ता सीधा हो गया है, अब कोई रास्ता पूछने की जरूरत नहीं है। ये जो पानी बह रहा है ना, बोले हाँ हाँ ये पानी, बोले इसके किनारे किनारे चले जाओ, इसके किनारे किनारे चले जाओ, और जहां से ये पानी निकला है वही नंद बाबा का घर है, क्योंकि ये कोई जल नहीं है। उद्धव मैया यशोदा नंद बाबा हजारों गोपियां लाखों गायों के नेत्रों से निकला हुआ